हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पंकज, वेलकम टू बीइंग फिश को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैंडबुक ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के चैप्टर 6 क्रस्टेशियन फिशरीज के ऊपर। पॉइंट वाइज नोट्स चाहिए, कोशिश यही रहेगी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्रस्टेशियन फिशरीज के साथ। फर्स्ट पॉइंट, क्रस्टेशियन बिलोंग्स टू आर्थ्रोपॉड्स। क्रस्टेशियन की 42,000 से 52,000 स्पीशीज़ का एक अप्रॉक्सीमेट डेटा देखा गया है। इट इंक्लूड्स क्रैब्स, लॉबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प, क्रिल एंड बार्निकल्स। फिशरीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें मेन फोकस रखना है ऑर्डर डेकापोडा क्लास मेलाकोस्ट्राका पे, विच इंक्लूड्स 1100 जेनरा, 8321 स्पीशीज, 117 श्रिम्प्स, 17 लॉबस्टर्स, 700 क्रैब्स एंड 150 स्पीशीज ऑफ एडिबल क्रस्टेशियंस। कोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ईस्ट कोस्ट में 19% है, वेस्ट कोस्ट में 81%, पिनिट श्रिम की लैंडिंग 47%, नॉन पिनिट श्रिम 34%, क्रैप्स 11%, स्टोमेटोपॉड्स 7% एंड लॉबस्टर्स 1%। स्टोमेटोपॉड्स आर यूज फॉर फिश मील प्रिपरेशन इन इंडिया, और इंडिया से ही स्क्विला मीट के लिए जो स्टोमेटोपॉड्स है उनको चाइना एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ पर ये स्क्विला मीट की तरह यूज़ किए जाते हैं। इंडिया में स्टोमेटोपॉड्स का यूज़ फिश मील प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। क्रस्टेशियंस की लैंडिंग की बात करें तो महाराष्ट्र में ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू गुजरात, 29% एंड गुजरात 23%। महाराष्ट्र और केरला पिनिट श्रिम की लैंडिंग बात करें तो 28% इन महाराष्ट्र, केरला में 27%। कर्नाटका रैंक फर्स्ट इन स्टोमेटो पॉड्स प्रोडक्शन। गियर्स की बात करें तो स्टेक नेट्स, कास्ट नेट्स, ड्रैग नेट्स, डिप नेट्स, स्कूप नेट्स। गियर्स फॉर श्रिम की बात करें तो बोटसिन, शोरशिन एंड ट्रॉल नेट्स का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हुगली माटला एस्चुरी में स्मॉल ड्रैग नेट्स, डिप नेट्स एंड बैरियर नेट्स का यूज़ करते हैं। चिल्का लेक में ट्रैप्स का यूज़ करते हैं। वेस्ट कोस्ट रीजन में स्मॉल डगआउट कैनो लेंथ 4 to 6 meters, बैक वाटर एरियाज में लार्जर डगआउट कैनो लेंथ 6 to 10 meters और कैटामेरन्स इनशोर फिशरी में यूज़ कर रहे हैं। ईस्ट कोस्ट की बात करें तो प्लैंक बिल्ट कैनोज एंड कैटामेरन्स का यूज़ करते हैं। श्रिम्प ट्रॉलर्स 7 to 11 meters लॉन्ग पैब्लो टाइप बोट से ऑपरेट कर रहे हैं 10 to 30 हॉर्स पावर इंजन के साथ। डोल नेट्स नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में यूज़ हो रहे हैं और बंगाल कोस्ट में यूज़ हो रहे हैं फॉर कैचिंग नॉन पिनिट श्रिम्प। थल्लू वलाई स्मॉल वर्जन ऑफ श्रिम्प ट्रॉल्स। ट्रैमल नेट विजिंगम एंड मनाकुड़ी कोस्ट में यूज़ होता है। ऑफशोर फिशरी के लिए ट्रॉल बेस्ट गियर या इफेक्टिव गियर माना गया है। अब हम लोग बात करेंगे श्रिम्प्स के ऊपर, जो कि जिनकी मेजर लैंडिंग का जो यूज़ हो रहा है वो फ्रोजन श्रिम्प के रूप में हो रहा है। ये मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी है फ्रोजन श्रिम्प। टू कैटेगरीज हैं, पिनिट एंड नॉन पिनिट श्रिम्प। पिनिट श्रिम्प इज़ द बैकबोन ऑफ सी फूड इंडस्ट्री। इंशोर फिशरी में ये 15 meters डेप्थ में जो भी लैंडिंग है वहाँ से हो रहा है। ट्रॉल्स से इनकी लैंडिंग को एक्सटेंड किया गया, इनके जो डेप्थ ऑपरेशन है जो गियर्स का उसको एक्सटेंड किया ट्रॉल्स के यूज़ से, तो 15 to 14 meters डेप्थ तक ऑपरेट किया गया। 1980s से नाइट ट्रॉलिंग एज वेल एज मल्टी डे ट्रॉलिंग का भी कॉन्सेप्ट लाया गया। 3 days का वॉयस से अब 12 days के वॉयस पर कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें इसलिए की गई ताकि श्रिम्प की लैंडिंग को बढ़ाया जा सके। जब ट्रॉलर्स का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आया था। प्रॉन्स या श्रिम्प 33 जेनेरा विथ अबाउट 2500 स्पीशीज, 300 स्पीशीज आर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। डैट इंक्लूड्स 5 पिनिडियन फैमिलीज, डैट आर सोलेनोसेरिडी, एरिस्टिडी, पिनिडी, सिसेवनिडी एंड सर्जेस्टिडी। 3 कैरिडियन फैमिलीज, पेंडेलिडी, क्रैंगुनिडी एंड पेलिमिनिडी। 28 वैलिड स्पीशीज इंक्लूडेड इन द जीनस पीनियस, फेनरोपीनियस, मेलीसर्टस एंड मार्सुपीनियस। 8 स्पीशीज आर फाउंड इन इंडियन वाटर्स, फॉर एग्जाम्पल फेनरोपीनियस इंडिकस इंडियन वाइट श्रिम, फेनरोपीनियस मर्गुएंसिस बनाना श्रिम, फेनरोपीनियस पेनिसिलेटस रेड टेल श्रिम, पिनियस मोनोडॉन जायंट टाइगर श्रिम एंड पिनियस सेमीसेल्केटस इज ग्रीन टाइगर श्रिम। नाउ वी विल डील विद सम कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम ऑफ श्रिम्स। इंडियन वाइट श्रिम्स फेनरोपीनियस इंडिकस, बनाना श्रिम्प एफ मर्गुएंसिस, रेड टेल श्रिम्प एफ पेनिसिलेटस, जायंट टाइगर श्रिम्प पी मोनोडॉन, ग्रीन टाइगर श्रिम्प सेमीसेल्केटस, विच श्रिम्प कैनालिकुलेटस, वेस्टर्न किंग श्रिम्प लेटीसेल्केटस, कुरुमा श्रिम्प जापानिकस, फ्लावर टेल श्रिम्प डॉप्सोनी, स्पेकल श्रिम्प मोनोसेरोस, जिंगा श्रिम्प एफिनिस, जिंजर श्रिम्प कच्चेंसिस, येलो श्रिम्प ब्रेविकॉर्निस, किडी श्रिम्प पेरेपिनियोप्सिस स्टाइलीफेरा, स्पीयर श्रिम्प्स हार्डविकी, रेनबो श्रिम्प्स स्कर्बटिलिस, उंगटा श्रिम्प उंगटा, रफ श्रिम्प ट्रैकी सेलेम्ब्रिया कर्विरोस्ट्रिस, फिडलर श्रिम्प स्ट्राइडुलेंस, फ्लेमिंगो श्रिम्प लॉन्गिप्स, कोस्टल मर्ड श्रिम्प सोलेनोसेरा क्रैसिकॉर्निस एंड सोलेनोसेरा चोपड़ाई।
ओके, ये सारे नेम भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम से। तो ये मैंने इसमें यहाँ दे दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। हम लोग बात करेंगे एक एक स्पीशीज़ के बारे में, पर्टिकुलरली बात करेंगे अब हम लोग। तो पहले आता है फेनरोपिनस इंडिकस, ये बोथ एस्चुराइन एज वेल एज मराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। 0 ईयर क्लास से लेकर के 0, 1 एंड 2, ये 3 क्लास जो है उनकी भी हम लोग लैंडिंग करवाते हैं बाय द यूज़ ऑफ ट्रॉल फिशरी। एस्चुराइन फिशरीज़ की बात करें तो 10 मीटर डेप्थ पे हो रहा है, एडल्ट 50 मीटर डेप्थ पे मिलते हैं, और जो जुवेनाइल्स होते हैं वो 10 मीटर डेप्थ पे मिल जाते हैं, उनकी लैंडिंग वहाँ से हो जाती है। कर्नाटका एंड केरला कोस्ट लीड कर रहा है, वहाँ पे मॉनसून फिशरी होती है। जो मैक्सिमम साइज़ फेनरोपिनस इंडिकस का देखा गया वो है 270 मिलीमीटर लेंथ। पिनस सेमी सल्कटस की बात करें तो एरिया जहाँ पे सी ग्रास पाए जाते हैं वहाँ पे ये अबंडेंट होते हैं, तो इनका बायो इंडिकेटर सी ग्रासेज हैं। ईस्ट कोस्ट रीजन में मेनली ये पाए जाते हैं, मडी बॉटम एरियाज में भी पाए जाते हैं। भेरीज ऑफ वेस्ट बंगाल में इनका हम लोग मतलब एक्सप्लोइटेशन या एक्सप्लोरेशन हो रहा है। 76 to 127 मिलीमीटर लेंथ के ये श्रिम्प या भेरीज ऑफ वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, और तमिलनाडु के कोस्ट में 250 मिलीमीटर के साइज़ के भी पाए गए हैं, और ये 25 PPT सैलिनिटी के रेंज में रहना पसंद करते हैं। पिनस मोनोडॉन की बात करें तो ये सिमिलर है इनका फेनरोपिनस इंडिकस के जैसा ही, पूरा हैबिटेट इनका सिमिलर है, एस्चुराइन एज वेल एज मराइन हैबिटेट दोनों इनके पास भी होता है, और 300 मिलीमीटर टोटल लेंथ देखा गया, इसीलिए इनको लार्जेस्ट श्रिम्प या फिर जायंट टाइगर श्रिम्प भी बोलते हैं। डॉप्सोनी की बात करें तो ये बैक वाटर एरियाज में ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, 30 to 70 मिलीमीटर लेंथ इनका एवरेज देखा गया है, और मैक्सिमम 125 मिलीमीटर तक है। गोवा कर्नाटका एंड केरला कोस्ट में ये अबंडेंट है। मोनोसेरोस की बात करें तो 0 ईयर क्लास बैक वाटर एरियाज में पाया जाता है, मैक्सिमम साइज़ 180 मिलीमीटर है, हायर एल्टीट्यूड 200 मिलीमीटर तक के साइज़ देखा गया हाई एल्टीट्यूड्स पे। फिर एफिनिस की बात करें, और एक और बात कि मोनोसेरोस चिल्का लेक में अबंडेंट आपको मिलेगा। एफिनिस की बात करें तो बैक वाटर फिशरी 0 ईयर क्लास इंक्लूड करता है, 71 से 130 मिलीमीटर की एवरेज है। ट्रॉल्स के कैच के लिए 121 से 140 मिलीमीटर के साइज़ के ये एफिनिस मिलते हैं ट्रॉल्स के कैच में। ब्रेविकॉनिस की बात करें तो हुगली एस्चुरी में 115 मिलीमीटर के लेंथ के ये स्पीशीज़ पाए गए हैं। नवंबर टू फरवरी में इनकी बल्क लैंडिंग होती है। पिनियोपसिस पैरापिनोपसिस स्टाइलीफेरा की बात करें तो 22 मीटर डेप्थ पे पाए जाते हैं, 10 to 145 मिलीमीटर के लेंथ पे ये वेरी करते हैं। वेरावल रीजन में इनका ज़्यादा अबंडेंस है इन अक्टूबर से दिसंबर मंथ में। हार्डविकी की बात करें तो less than 1% ऑफ एनुअल श्रिम्प लैंडिंग हार्डविकी का होता है इंडिया में। 55 to 65 मिलीमीटर साइज मेल्स का है, 80 to 100 मिलीमीटर साइज फीमेल्स की, मतलब फीमेल्स बड़ी होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। सोलानोसेरा क्रेसिकॉर्निस गुजरात एंड महाराष्ट्र कोस्ट में अबंडेंट है, 35 to 110 मिलीमीटर लेंथ के ये स्पीशीज होते हैं। सोलानोसेरा चोपड़ाई की बात करें तो गुजरात कोस्ट पे अबंडेंट है, 46 to 120 मिलीमीटर एवरेज साइज़ है, 74 मिलीमीटर मेल्स का और 86.3 मिलीमीटर फीमेल्स का। बायोलॉजी की बात करें श्रिम की तो हेट्रोसेक्सुअल फीमेल्स बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू मेल। पिनस सेमीसल्केटस फेनरोपिनस इंडिकस एंड पिनस मोनोडॉन इनकी साइज़ की बात करें तो 250, 270 एंड 300 मिलीमीटर ये इनकी साइज़ है मैक्सिमम साइज़। ये लार्जर स्पीशीज़ है, और स्मॉलर स्पीशीज़ की बात करें तो स्टाइलीफेरा डॉप्सोनी क्रेसिकॉर्निस और चोपड़ाई ये स्मॉलर स्पीशीज़ है जिनका एवरेज साइज़ 46 to 145 मिलीमीटर, 31 to 115 मिलीमीटर, 35 to 110 एंड 46 to 120 मिलीमीटर तक होता है। दे फीड मेनली ऑन एनिमल फीड आइटम्स एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। हाई फिकंडिटी देखा गया है, फॉर एग्जाम्पल इंडिकस का 7.3 लाख है, मोनोसेरोस 3.9 लाख, डॉप्सोनी 1.6 लाख और क्रेसिकॉर्निस 1.01 लाख। एरिस्टियस एलोकी रेड रिंग जिसको बोलते हैं वो 350 से 500 मीटर डेप्थ रीजन में पाए जाते हैं, इनकी एवरेज साइज 81 से 185 मिलीमीटर होता है। मेटापिनियोपसिस अंडामानेंसिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं, 70 to 130 मिलीमीटर इनका एवरेज लेंथ है। स्टाइलीफेरा की बात करें तो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ पिनीड श्रिम फिशरी अलॉन्ग वेस्ट कोस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। स्टाइलीफेरा इज द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर ऑफ पिनीड श्रिम फिशरी अलॉन्ग वेस्ट कोस्ट। CADA, व्हाट इज CADA? तो इसका फुल फॉर्म है कैच एंड अफर्ट डेटा एनालिसिस। रिड्यूस फिशिंग वेसल आर्स ऑफ कैचिंग और मैच साइज रेगुलेशन से हम लोग इनकी लैंडिंग को मैक्सिमम सस्टेनेबल ईल्ड तक पहुंचा सकते हैं, प्लस जो भी इनकी ओवर फिशिंग हो रही है उसको हम लोग रोक सकते हैं। ओवर जो भी हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं श्रिम्प का उनको रोकने के लिए हमें रिड्यूस करना पड़ेगा फिशिंग वेसल्स को, आवर्स ऑफ कैचिंग को कम करना पड़ेगा, और मैच साइज़ रेगुलेशन को हमें अब रेगुलेट करना पड़ेगा 25 मिलीमीटर से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी जाके हम इनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोक पाएंगे और इनकी लैंडिंग में हम लोग एफिशिएंसी ला पाएंगे। एस्चुराइज और बैक वाटर इनके नर्सरी ग्राउंड है, तो वहाँ पे हम लोग को गियर यूज़ करने में
अपनी एफिशिएंसी को देखना होगा कि हम लोग वहाँ पे कोई इनका डिस्टर्बेंस ना करें जहाँ पे इनकी नर्सरी ग्राउंड्स है। स्टेक नेट डिस्ट्रॉइंग दिस नर्सरी ग्राउंड रिसोर्सेज, स्टेक नेट अगर कोई फिशरमैन वहाँ पे अगर स्टेक नेट्स यूज़ कर रहा है तो वो उस नर्सरी ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो कि एक बहुत मेजर कॉज है उनके ओवर एक्सप्लॉटेशन के लिए। इसलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ये रूल लगाना होगा कि बैन ऑन स्टेक नेट्स लगाना होगा, प्लस एक्सपोर्ट लिमिटेशन साइज़ वाइज हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए उनकी साइज़ पे एक लिमिटेशन लगाना होगा कि इतने पे ही कैप्चर कर, इतने लेंथ की स्पीशीज़ को ही कैप्चर करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और टू प्रिवेंट कैप्चर ऑफ अंडर साइज श्रिम्प, मानसून बैन ऑफ ट्रॉल, मानसून में ट्रॉल का बैन लगाना बहुत ज़रूरी है। कॉड एंड मेस साइज रेगुलेशन 15 to 20 mm, यूज़ ऑफ 10 mm मेस साइज अलॉन्ग केरला कोस्ट, थल्लुवलाई हैवी डिस्ट्रक्शन, ये सारे वो हैं कॉन्सेप्ट या फिर वो पॉइंट्स हैं जो बता रहे हैं कि ओवर एक्सप्लॉटेशन कैसे हो रहा है इनकी लैंडिंग्स में। और ट्रॉलिंग एट 10 मीटर डेप्थ पे स्टॉप करना होगा, और जो डीपर रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लॉयट करने पे फोकस रखना चाहिए, ना कि 10 मीटर डेप्थ पे। अपर सरफेस पे एक्सप्लॉयट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये ओवर एक्सप्लॉटेशन कॉज कर रहा है, बल्कि जो नीचे के रिसोर्सेज है उनको अभी हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। फिर सी रैंचिंग का कॉन्सेप्ट 1985-1986 में CMFRI लेके आए थे फॉर ग्रीन टाइगर श्रिम्प पीनस सेमीसल कटेस के लिए, मंडपम सेंटर पे लाए थे, रीजनल सेंटर ऑफ CMFRI मंडपम सेंटर है वहाँ पे इन्होंने सी रैंचिंग का कॉन्सेप्ट लगाया था, पाल्क बे रीजन तमिलनाडु में ऑपरेट करने के लिए। 1991 से 1994 के पीरियड में 2964 श्रिम्स के ऊपर ये ऑपरेशन किया गया था। 61 से 110 mm लेंथ के थे श्रिम्स जिनको टैग एंड रिलीज किया गया था पाक बे रीजन में। ओके, तो ये पिनिट श्रिम था। अब हम लोग नॉन पिनिट श्रिम के ऊपर बात करेंगे। 85% लैंडिंग नॉन पिनिट श्रिम की हो रही है नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में, जो कि गुजरात एंड महाराष्ट्र एरिया है। 48% गुजरात से, 37% महाराष्ट्र में। फिक्स्ड बैग नेट जो कि डोल नेट है उनका यूज़ करते हैं एज अ गियर हम लोग श्रिम नॉन पिनिट श्रिम को कैच करने के लिए। महाराष्ट्र में इंक्रीज़ कर, पहले के समय में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लैंडिंग होती थी, बट लेटर ऑन गुजरात में लैंडिंग बढ़ने लगी। क्यों बढ़ी? क्योंकि वहाँ पे श्रिम्प ट्रॉलर्स का यूज़ किया जाने लगा जो कि एसेटस स्पीशीज़ को कैच करना शुरू कर दिया। फिर 25 to 12 to 15 mm के मेस साइज़ का ये रेगुलेशन था। फिश मील इंडस्ट्री वेरावल रीजन में फिश मील इंडस्ट्री बढ़ने की वजह से भी गुजरात में लैंडिंग इंक्रीज़ आई थी। फिर कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती है? तो मेनली जो महाराष्ट्र में जो स्पीशीज़ अबंडेंट्स है वो है नेमेटोपैलियोमॉन टेनिप्स, ये महाराष्ट्र में नॉन पिनिट श्रिम की अबंडेंट स्पीशीज़ है। 1999 में केरला के डीप सी फिशिंग में भी ये स्पीशीज़ देखी गई। दे इंक्लूड टाइनी श्रिम्प्स डेट आर एसेटिस, पेस्ट श्रिम्प, नेमेटोपैलियोमॉन टेनिप्स, स्पाइडर श्रिम्प, एग्स हिपोलिस मेटा एंसिरोस्ट्रिस इज हंटर श्रिम्प। Once again, Acetis, it is known as space shrimp. Nematopalimon tenups, it is known as spider shrimp. X hippolis meta ancirostris is hunter shrimp. Okay, ये common name है, इनसे भी question बन सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर note दे दिया है। 5 species of Acetis, that includes Acetis indicus, Acetis johnii, Acetis seaboge, Acetis erythreus, Acetis japonicus. अक्टूबर से नवंबर में एसेटस जॉनी का कैच ज़्यादा होता है, या उनका ये स्पॉनिंग सीजन या अबंडेंट सीजन है। अप्रैल टू मई में एसेटस इंडिकस का कैच ज़्यादा होता है, ये फिशिंग सीजन की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर एसेटस जॉनी का कैच ज़्यादा होता है, अप्रैल टू मई में एसेटस इंडिकस का कैच ज़्यादा होता है। पैंडेलिट श्रिम्स इंक्लूड्स हेट्रोकार्पस वुडमसोनी, हेट्रोकार्पस गिबोसस, प्लेसियोनिका स्पाइनेप्स एंड प्लेसियोनिका मैंटिया। एसेटस इंडिकस दीज आर एपिपेलेजिक प्लैंक्टोनिक श्रिम्प, 8 to 38 mm लेंथ पे इनकी साइज है। 4,300 to 10,300 egg ये इनकी फिकंडिटी है, एंड दे फीड ऑन डेट्राइटस। नेमेटोपैलियोमॉन टेनिप्स की बात करें तो मेल्स 57 mm के होते हैं, फीमेल्स 64 mm, अगेन सेम केस है, फीमेल्स बड़ी हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। 242 to 3,648 eggs इनकी फिकंडिटी है। एक्स हिपोलिस मेटा एंसिरोस्ट्रिस की बात करें तो लार्जेस्ट कोस्टल नॉन पिनिट्स हर्माफ्रोडाइट है ये। डीप सी फिशरीज़ की बात करें तो हेट्रोकार्पस वुडमसोनी, हेट्रोकार्पस गिबोसस, ये डीप सी फिशरीज़ में पाए रिसोर्सेज हैं। 71 से 125 mm का लेंथ है वुडमसोनी का, और 91 से 140 mm लेंथ है गिबोसस का। ओके, ये श्रिम्प था जिसमें हम लोग पिनिट श्रिम्प और नॉन पिनिट श्रिम्प की बात कर लिया हम लोग। ओके, अब बात करेंगे लॉबस्टर्स के ऊपर। सो लॉबस्टर्स आर हाईली प्राइस्ड रिसोर्सेज ऑफ क्रस्टेशियन, फाउंड इन अबंडेंट इन नॉर्थ वेस्ट रीजन, देन साउथ वेस्ट, देन साउथ ईस्ट। सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं, फिर साउथ वेस्ट में, उसके बाद साउथ ईस्ट कोस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में जो अबंडेंट स्पीशीज़ है वो है पेलिन्यूरिड लॉबस्टर्स की, साउथ ईस्ट वाले स्कैलेरिड लॉबस्टर्स। ओके, तो पेनिल्यूरस पॉलीफेगस एंड स्कैलेरिड में आते हैं थीनस यूनिमैक्यूलेटस।
डोमिनेटेड टिल 1990s तक इनका डोमिनेंस था। 1994 में महाराष्ट्र में स्लीपर लॉबस्टर की स्पीशीज़ का जो कैच था उसका डिक्लाइन हुआ, उनकी लैंडिंग डिक्लाइन करने लगी। साउथ वेस्ट कोस्ट में पेनिलुरस होमेरस लार्जेस्ट लैंडिंग होती है इनकी, फिर पेनिलुरस वर्सिकलर एंड ऑर्नेटस इनकी स्मॉल लैंडिंग होती है। वर्सिकलर और ऑर्नेटस की स्मॉल लैंडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू होमेरस, होमेरस की लार्ज लैंडिंग होती है। गियर्स यूज आर गिलनेट ट्रैमल नेट एंड ट्रैप्स। साउथ वेस्ट में डोमिनेंट होता है डीप सी लॉबस्टर का जो कि प्यूलरस सेवली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीप सी लॉबस्टर इज नोन एज प्यूलरस सेवली। 150 से 400 मीटर डेप्थ पे पाए जाते हैं, मतलब ये डीप सी फिशरी रिसोर्सेज में आते हैं। साउथ ईस्ट कोस्ट में जो अबंडेंट स्पीशीज है वो है पेनिलुरस होमेरस एंड थीनस यूनिमैक्युलेटस। अंडमान एंड निकोबार में लिनिपेरस सोमियासिस इज ये अबंडेंट स्पीशीज है अंडमान निकोबार में। अब बात करते हैं एक लॉबस्टर कंजर्वेशन एंड को मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया था कोलैबोरेशन की CMFRI एंड SIFT के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया था ये लॉबस्टर कंजर्वेशन एंड को मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसका मेन मकसद था कि लॉबस्टर के प्रिजर्वेशन या फिर कंजर्वेशन करना, ठीक है, ताकि उनको ओवर एक्सप्लॉयटेशन या उनकी डेक्लाइन से उन्हें बचाया जा सके। कमर्शियल फिशरी फॉर थीनस यूनिमैक्युलेटस 1978 में हुआ था। अब बात करते हैं कुछ स्पीशीज और उनकी लेंथ के ऊपर। तो स्पाइनी लॉबस्टर में होमेरस पॉलीफेगस एंड ऑर्नेटस आ जाते हैं। होमेरस की साइज 320 मिलीमीटर है, पॉलीफेगस 450 मिलीमीटर और नेटस 500 मिलीमीटर। फिकंडिटी की बात करें तो 50,000 से 10 लाख है। प्यूलरस सेवली जो कि डीप सी लॉबस्टर है 76 से 190 मीटर, ओके मिलीमीटर ये मेल का साइज़ है और 71 to 205 मिलीमीटर ये फीमेल की साइज़ होती है डीप सी लॉबस्टर केस में। मेजर लैंडिंग नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में पॉलीफेगस का हो रहा है, पेनिलुरस पॉलीफेगस का। अब ये टर्मिनोलॉजी है, टोटल मॉर्टेलिटी को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल मॉर्टेलिटी को एम से और एक्सप्लॉटेशन रेट को यू से, ठीक है। फिर एक और है MLS का फुल फॉर्म मिनिमम लीगल साइज़, ये लॉबस्टर के केस में ही रहता है, तो आप लोग बस ये पॉइंट याद रखिए कि मिनिमम लीगल साइज़ लॉबस्टर के केस में आया था। फिर ट्रॉल, ये बेसिकली ट्रॉल जो है वो टारगेट फिशिंग नहीं कर पा रहा है लॉबस्टर के केस में, वो टारगेट फिशिंग के लिए नहीं यूज़ हो रहा है बल्कि वो एज अ बाय कैच लॉबस्टर को कैच कर रहा है, इसलिए लॉबस्टर का ओवर एक्सप्लॉटेशन ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू उनके लैंडिंग यूज़ से, ओके। तो इसलिए ट्रॉल्स का यूज़ लॉबस्टर के केस में बेकार जा रहा है क्योंकि वो टारगेट फिशिंग ना करके बाय कैच के रूप में उनको एक्सप्लॉयट कर रहा है। ऊपर से ट्रॉल के ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि फिशरमैन क्यों लॉबस्टर के जो भी हम लोग रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ नहीं बता पा रहे, तो वो अपना फिशिंग जारी रख रहे हैं जिसकी वजह से लॉबस्टर का जो भी ओवर एक्सप्लॉटेशन है वो कंटिन्यू है, इसलिए उनके ऊपर एक वनरेबल स्पीशीज़ होने का खतरा मंडरा रहा है लॉबस्टर के ऊपर। और उनकी चांस ऑफ डिक्लाइन है किस स्पीशीज़ की, तो थीनस यूनिमैक्युलेटस की। ओपन एक्सेस फिशरी होने की वजह से प्लस अभी ज़रूरी है कि एक स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाए कि लॉबस्टर सेंचुरीज एज वेल एज लॉबस्टर रिजर्व्स बनाना होगा, तभी हम लोग लॉबस्टर को प्रिजर्व कर पाएंगे, अदरवाइज लॉबस्टर की स्पीशीज डिक्लाइन कर जाएगी। फिर बात करते हैं MLS मिनिमम लीगल साइज फॉर एक्सपोर्ट इज पॉलीफेगस के लिए 300 ग्राम, होमेरस के लिए 200 ग्राम, ऑर्नेटस के लिए 500 ग्राम और यूनिमैक्युलेटस के लिए 150 ग्राम। ये मिनिमम लीगल साइज के एक्सपोर्ट के लिए इतना साइज होना चाहिए, 300 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 150 ग्राम। ये स्पीशीज के साथ मैंने दे दिया, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब बात करेंगे हम लोग क्रैब की, लॉबस्टर की बात हो गई। क्रैब ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इनकी लैंडिंग आगे बढ़ रही है, पिकिंग पेस यहाँ पर मतलब यही है कि इनकी जो लैंडिंग वो तड़ समय के साथ इंक्रीज़ करते जा रही है। एडिबल क्रैब्स की लैंडिंग बढ़ रही है। इनका जो मेजर फॉर्म जो है वो कैसे एक्सपोर्ट करें, तो क्रैब मीट के फॉर्म में, कट क्रैब के फॉर्म में, लाइव क्रैब इंडिया से जापान, इंडिया से USA, इंडिया से फ्रांस, इंडिया से हांगकांग और इंडिया से मलेशिया, इनका एक्सपोर्ट हो रहा है इस फॉर्म में, क्रैब मीट, कट क्रैब एज वेल एज लाइव क्रैब के फॉर्म में। 700 स्पीशीज़ है क्रैब की। फैमिली पॉर्टुनिडी दैट इंक्लूड्स पॉर्टुनिटस, सेंगुलोनेंटस दैट इंक्लूड्स स्पॉटेड क्रैब, पेलाजिकस इज रेटिकुलेट क्रैब, चेरिबडिस फेरिएटस क्रॉस क्रैब इट इज़ अ एडिबल क्रैब, लूसीफेरा एंड नेटेटर ये स्मॉल कंट्रीब्यूशन देते हैं, और ऊपर वाले जो तीन स्पीशीज थी सेंगुलोनेंटस, पेलाजिकस और फेरिएटस ये मेजर स्पीशीज कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। प्लस मड क्रैब की भी स्पीशीज हैं जिसमें स्काइला ग्रुप आ जाते हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन आता है। 80% लैंडिंग इज बाय ट्रॉलर्स, क्रैब की 80% लैंडिंग बाय ट्रॉलर्स से हो रही है। गिल नेट्स एंड ट्रैप्स का भी यूज़ करते हैं पेलाजिकस को पकड़ने के लिए, 10 to 16 मीटर डेप्थ के रीजन में पकड़े जाते हैं गिल नेट्स और ट्रैप्स से। फेरिएटस को कैच करने के लिए हम लोग वही सेम गिल नेट और ट्रैप्स का यूज़ करते हैं, किस रीजन में, तो वेरावल रीजन, गुजरात में ज़्यादा डोमिनेंट है इनकी फिशरी, और महाराष्ट्र रीजन में। सेंगुलोनेंटस भी सेम महाराष्ट्र रीजन में अबंडेंस है इनकी फिशरी। पेलाजिकस सदर्न रीजन में ज़्यादा अबंडेंस है इनकी फिशरी बाय द यूज़ ऑफ कैटामेरन और वल्लम, और ट्रैमल नेट का ऑपरेशन करने के लिए यूज़ होते हैं कैटामेरन और वल्लम।
मड क्रैब, डोमेस्टिक मार्केट में मड क्रैब का डिमांड है, डेट इंक्लूड्स स्काइला सेरेटा एंड स्काइला ट्रैंक्यूबेरिका। स्काइला ट्रैंक्यूबेरिका लार्जेस्ट क्रैब स्पीशीज़ है, ये भी याद रखिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एडिबल स्पीशीज़ कौन कौन सी है, तो फेरिएटस, सैंगिनोलेंटस और पेलाजिकस। रेस्ट ऑल आर यूज फॉर फिश मील। सैंगिनोलेंटस 30-45% ऑफ साउथ वेस्ट की लैंडिंग है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ईस्ट कोस्ट में 91-125 मिलीमीटर के लेंथ होती है इनकी। फीड्स ऑन स्मॉल क्रस्टेशियन फिशेस मॉलस्क। स्पॉनिंग सीजन इज मार्च टू मे। एक और बात, थॉम्सन एंड बेल ईल्ड, ठीक है, आपने शेफर के बारे में सुना होगा और बोवर्टन एंड हॉल्ट मॉडल या फिर ईल्ड के बारे में सुना है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है थॉम्सन एंड बेल ईल्ड फॉर स्टॉक असेसमेंट, ये क्रैब के केस में यूज़ किए थे इन्होंने। अब बात करते हैं हम लोग स्टोमेटोपोड्स का, तो स्टोमेटोपोड्स को मैंटिस श्रिंप या स्क्विला भी बोलते हैं मेजॉरिटी ऑफ द रीजन में। फिर ये एक एक्चुअली फूड फॉर डिमर्शल फिशेज का काम करते हैं स्टोमेटोपोड्स। चेन्नई में इनका कैचेस करते हैं बिग स्पीशीज का, जो कि स्क्विला मीट के लिए यूज़ होते हैं, और इनका एक्सपोर्ट होता है चाइना में। इंडिया से चाइना एक्सपोर्ट हो रहा है स्क्विला मीट के लिए इन स्टोमेटोपोड्स का, जो इनकी बिगर स्पीशीज होती है उनका। 65 स्पीशीज़ आती हैं इसमें, जिसमें 23 जेनरा एंड 8 फैमिलीज होती हैं। साउथ वेस्ट रीजन में ओरेटो स्क्विला नेपा, ईस्टर्न रीजन में ओरेटो स्क्विला नेपा, वुडमासोनी एंड इंटरप्टा। लार्ज साइज़ वाले हैप्पियो स्क्विला एंड लीजियो स्क्विला, ये लार्ज साइज स्पीशीज़ हैं, जो कि इनका साइज़ होता है 310 मिलीमीटर से 275 मिलीमीटर तक। ओके, तो बेसिकली स्क्विला मीट, और इंडिया में इनका बेसिकली फिश मील प्रिपरेशन या फिश मील इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं स्टोमेटोपोड्स का यूज़। अब इनकी रैपिड क्रस्टेशंस के रैपिड ग्रोथ रेट, शॉर्ट स्पैन एंड कंटिन्यूस ब्रीडिंग हैबिट है। फिर एक लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिडक्शन ऑफ स्पॉनिंग स्टॉक बायोमास टू लेस देन 20 ऑफ इट्स अनएक्सप्लॉयटेड लेवल इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। फिर सी रैंचिंग एंड MPA मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना पड़ेगा, ताकि हम इन स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकें। खास करके लॉबस्टर के केस में ये बहुत ही एसेंशियल है कि एक लॉबस्टर रिजर्व या फिर लॉबस्टर को कंजर्व करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया डेवलप करना पड़ेगा, और फिशरमैन को एक अप्रोप्रिएट नॉलेज देना पड़ेगा लॉबस्टर फिशिंग के लिए। ओके, सो डैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ़।